बढ़ती आबादी और कृषि योग्य भूमि में हो रही कमी से आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट पैदा न होने लगे, इसी के मद्देनजर वैज्ञानिकों के सुझाव से कई किसान भाई अब अंतर्वर्ती खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, समझे क्या है अंतर्वर्ती खेती? अगर नहीं समझे तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से क्या है अंतर्वर्ती खेती और क्यों जरूरी हो गया है इस पद्धति को अपनाना। इंटरक्रॉपिंग को हिंदी में अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। अंतर्वर्ती खेती एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों को साथ साथ लगाया जाता है और उसमें कतारबद्ध पद्धति में उसकी खेती की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य दो कतारों के बीच में खाली जगह का उपयोग एक दूसरी फसल जो कम अवधि में पकने वाली हो उसको लगा करके हम उस क्षेत्र से अधिक पैदावार ले सकें। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही खेत से अधिक पैदावार लेना है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अब खेत हर जमीन को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसी सीमित क्षेत्रफल से हम अधिक से अधिक पैदावार लें। उसी के तहत ये अंतर्वर्तीय खेती उन फसलों में की जाती है जिनकी एक कतार से दूसरे कतार की दूरी अधिक हो, क्योंकि उसमें खाली स्थान अधिक मिलता है और उसी खाली स्थान को हम कम अवधि में पकने वाली किस्म लगा करके उसका उपयोग कर लेते हैं जो उसी क्षेत्रफल से हमको अधिक से अधिक पैदावार मिल जाती है। तो किसान भाइयों, जाना आपने अंतर्वर्ती खेती की जरूरतों के बारे में, यानी जमीन उतनी ही और फायदा दुगना। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही अंतर्वर्ती खेती के बारे में बता रहे हैं जिसे आप आसानी से अपनाकर इस पद्धति से लाभ अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं अंतर्वर्ती खेती के तहत आलू और मक्के की खेती कैसे एक साथ करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य में रबी मौसम में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। उसी उद्देश्य से उसके बीच में ये एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर अनुशंसित की गई है। मक्का के साथ में आलू की अंतर्वर्ती खेती बहुत ही लाभदायक है। वैसे किसान भाई आलू के साथ में मटर, सब्जी वाली मटर, मूली आदि की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन आलू की फसल सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पहले हम आलू को 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर 60 सेंटीमीटर पर उसको लगा लेते हैं। उसके लिए अनुशंसित जो उसके खाद हैं उसको जो है हम उसमें डालते हैं और दोनों ही फसल को ध्यान रहे कि दोनों ही फसल जो लगा रहे हैं उसकी अनुशंसित जो है पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। अब आलू जो है एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रख करके आलू को लगा देते हैं। उसके बीच में खाली स्थान पर जब हम आलू लगा दिए उसके बाद हम डिबलिंग विधि से मकई की बुवाई कर देते हैं। दो लाइन का दो कतार के बीच में उसकी बुवाई हम संपन्न कर देते हैं, लेकिन मक्का के केस में ये उसकी अनुशंसित मात्रा की आधी मात्रा खाद उपयोग करना चाहिए। ये आधा जो है अनुशंसित मात्रा की बचत हो गई। आप इसके बाद में आलू की मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं, क्योंकि मकई क्योंकि दिसंबर और जनवरी में तापमान कम होने की वजह से उसकी बढ़भार कम होती है। उसी बीच में आलू की बढ़भार बहुत तेज़ी से होती है। आलू की खुदाई हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में कर लेते हैं और आलू उखाड़ करके फिर उसी मिट्टी को हम जो है मकई पर चढ़ा करके पानी दे देते हैं,
जिससे कि जो आलू में जो हमारे पोषक तत्व मिट्टी में दिए गए थे वो उसका भी उपयोग हमारी मकई की फसल कर लेती है। इससे फायदा मकई फसल को होता है और दोनों की फसल आलू और मकई, मकई क्योंकि हमारी मुख्य फसल है उसकी उपज पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो कि आप अगर अलग से लगा रहे हैं और अंतर्वर्ती में लगा रहे हैं मकई की पैदावार उतनी ही मिलेगी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमको आलू बीच में ही किसान को जो है करीब 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आलू की उपज उसको बीच में आ जाएगी, उसका पूरा खेती का खर्चा बीच में ही निकल जाएगा और वो उसको हम लोग बोनस जो है उपज कहेंगे। किसान भाई, आप जानकारी ले रहे हैं आलू और मक्के की अंतर्वर्ती खेती के बारे में। इससे संबंधित यहां एक बात आपको बता देना जरूरी है कि आलू और मक्के की खेती के भी दो तरीके हैं। एक, आलू के दोनों मेड़ के बीच में मक्का लगाएं और दूसरा आलू के मेड़ के ठीक बगल में मक्का लगाएं। मकई और आलू की अंतर्वर्ती खेती करने के एक तो आप मेड़ बना करके उसके बीचों बीच मकई की बुवाई कर दीजिए। उससे होगा क्या कि ये जो जब हम आलू में मिट्टी चढ़ाने लगेंगे तो उसमें कुदाल चलाने में उसको मिट्टी चढ़ाने में किसान भाइयों को थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन अगर मेड़ के दक्षिण साइड में अगर हम आलू की रुपाई करके और बीच में उसके जो है दक्षिण भाग में उसके किनारे पर अगर मकई को हम लगा देते हैं तो उससे किसान जब उसमें आलू में मिट्टी जो है भरने लगेंगे तो वो उसको बहुत आसानी होगी। इसी उद्देश्य से कि ये दोनों तरीके से इसका किसान भाई खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरह से आप आलू और मक्का दोनों एक ही समय में लगाकर एक ही जमीन में दुगनी उपज ले सकते हैं। यही नहीं, अंतर्वर्ती खेती के और भी फायदे हैं, जैसे दो फसलों के लिए एक ही उर्वरक और सिंचाई का खर्च। कि एक ही सिंचाई देने से हमारी दोनों फसलें हो रही हैं, क्योंकि दो फसल ले रहे हैं उसमें खरपतवार भी कम निकलते हैं, तो खरपतवारों की संख्या भी हमारी जो है कम रहेगी तो उसका भी नियंत्रण होते रहता है। इस तरह से किसान को सबसे बड़ी है कि उसको बीच में एक आय का स्रोत हो गया, क्योंकि मकई की फसल आने में करीब 5 से 6 महीने के बाद में ही उसको फसल मिलेगी और उसको तब आय मिलेगी, लेकिन किसान को 3 महीने के बाद ही आलू की फसल से उसको एक आमदनी का स्रोत हो गया और उसको अधिक पैदावार मिलती है। इसी उद्देश्य से ये अंतर्वर्ती खेती जो है की जा रही है और करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आलू और मक्के की अंतर्वर्ती खेती में जल और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। अंतर्वर्ती खेती में दोनों जो जो फसल हम ले रहे हैं उसकी अनुशंसित मात्रा उसमें दी जाती है, क्योंकि जो दो फसल लगी हुई हैं उसके बीच में किसी तरह की पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो। अगर हम एक में खाद देंगे तो वो दोनों पौधे उस खाद के लिए जो है अपने आप समय कंपटीशन करेंगे, इसीलिए उस खाद जो है दोनों फसलों का खाद समान रूप से दिया जाता है और दोनों की ही कोशिश होनी चाहिए कि दोनों ही फसल में हम सिंचाई की बात कर रहे हैं तो एक ही सिंचाई से दोनों की सिंचाई हो जाती है, क्योंकि आलू कम समय में पकने वाली फसल है और उसकी जो है लंबाई कम होती है। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर एक फसल हमारी अधिक लंबाई की है तो दूसरी फसल हमारी कम लंबाई की फसल होनी चाहिए। तो उससे ये है कि आपसे में जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है उसके लिए भी कंपटीशन नहीं होता है। खाद अनुशंसित जो है अनुशंसित मात्रा में दें जिससे कि जो है आप समय वो जो है प्रतिस्पर्धा नहीं करें। आलू और मक्के की अंतर्वर्ती खेती करते समय किसान भाइयों को ये शंका हो सकती है कि जो कीटनाशक हम आलू के लिए दे रहे हैं उससे कहीं मक्के की फसल तो प्रभावित नहीं होगी। तो कैसे करें आलू और मक्के की अंतर्वर्ती फसलों में कीट नियंत्रण, आइए जानते हैं।
झुलसा रोग को के नियंत्रण करने के लिए हम लोग डाइथेनम डालते हैं, जो के फसल पर, मक्का की फसल पर वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। मक्का की फसल में जो अधिकांश ये जो स्टेम जो तना छेदक कीड़े का प्रकोप होता है, और उसकी दवा हम लोग उसके तना में ही देते हैं, आलू से उसको कोई संबंध नहीं। तो किसान भाई, इस प्रकार से आप भी अगली बार आलू की खेती करने जा रहे हों तो कुछ भाग में आलू और मक्के की अंतर्वर्ती खेती करके जरूर देखें, निश्चित ही आप लाभ में रहेंगे। Thank you.